नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों आपका स्वागत है एडवांस मैथ की दुनिया में। तो हम दोस्तों एडवांस मैथ के अंदर जो आज का टॉपिक लगाने जा रहे हैं वो दोस्तों रहेगा डेरिवेटिव। दोस्तों काफ़ी खतरनाक टॉपिक है ये डेरिवेटिव, लेकिन दोस्तों आज आपको ऐसे तरीके से करवाया जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि डेरिवेटिव भी एक इतना इजी मेथड, इतने इजी मेथड से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेरिवेटिव, तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों हम डेरिवेटिव करते किसका है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म होती है, कॉन्स्टेंट टर्म दोस्तों सी, जिसको मैथ के अंदर किससे डिनोट किया जाता है, सी से। अगर दोस्तों मैथ के अंदर सी की बात आती है तो सी का मीन क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट टर्म। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। दोस्तों जो डेरिवेटिव होता है वो हमें किसी ना किसी जो अल्फाबेट होता है, लेटर होता है, उसके रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जैसे दोस्तों मैंने क्या करा, वाई के बराबर 5 लिखा और इस 5 का डेरिवेटिव करें। ऐसे दोस्तों 3 का डेरिवेटिव, -5/2 का डेरिवेटिव, 100 का डेरिवेटिव, -1.5 का डेरिवेटिव, 7 का डेरिवेटिव दोस्तों, इसी तरह 7/5 का डेरिवेटिव। तो दोस्तों ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कि जो बिल्कुल अकेले होते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि कॉन्स्टेंट जिसको सी बोला जाता है वो उसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, आपको जो ए बी सी डी होती है हमारी ए से लेके जेड तक, जिसको कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 26 लेटर होते हैं। अगर दोस्तों आपको वो नजर ना आए तो ये मानोगे कि वो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है। यहां पर 3 अकेला, -5/2 अकेला, 100 अकेला, -1.57, ये सारे अकेले हैं। आपको इन सारे के सारे क्वेश्चनों में दोस्तों ये ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर होते हैं इनमें से आपको कोई भी नजर नहीं आया। तो दोस्तों यहां पर याद रखना कि ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है इनका जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों वो हमेशा जीरो होता है। क्या सुना दोस्तों आपने कि ये जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म होती है उनका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो दोस्तों उनका डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, यानी ये सारे के सारे मैंने आपको 7 एग्जांपल दिए हैं। आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, बस उनके साथ ये ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर नहीं लगा होना चाहिए। तो दोस्तों इनका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ये दोस्तों मैंने आपको डेरिवेटिव का पहला स्टेप बताया, बिल्कुल आसान सा। अब दोस्तों बढ़ते हैं जो सेकंड जो स्टेप आएगा डेरिवेटिव का, वो रहेगा दोस्तों किस पर, जो हमारे ए से लेके दोस्तों जेड तक के जो नंबर होते हैं ए बी सी डी के, जो 26 लेटर होते हैं जिनको दोस्तों मैथ के अंदर क्या बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्या है तो दोस्तों ए इंग्लिश के अंदर तो एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, अल्फाबेट है, लेकिन दोस्तों ए से लेके जेड तक ये जो 26 लेटर होते हैं अगर इनको मैथ में बोलना पड़े, आपको बोले बी क्या है, जेड क्या है, सी क्या है, तो दोस्तों इनको आप मैथ में क्या बोलोगे, वेरिएबल बोलोगे दोस्तों। क्या बोलोगे, वेरिएबल वी, यानी कि ये सारे के सारे लेटर क्या बोलेंगे, इनको वेरिएबल बोलेंगे। अब दोस्तों जो वेरिएबल, जैसे मैंने कहा ए, मैंने क्या कहा बी, मैंने क्या कहा सी, मैंने क्या कहा डी, ई, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इनका डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ई, तो दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान देना, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो जीरो होता है लेकिन इनका डेरिवेटिव दोस्तों क्या होगा, एक होगा या दोस्तों जीरो होगा। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा मास्टर जी कि
ए का एक है या बी का एक है या सी का एक है या बी का जीरो है या सी का जीरो है। तो दोस्तों ध्यान देना, जब वो आपसे डेरिवेटिव पूछता है, जैसे मैंने आपसे पूछा वाई बराबर ए और आपसे क्या पूछा डी वाई बाय डी ए, तो दोस्तों ये ध्यान देना, ये चीज आपको बताएगी क्या लिखा है डी वाई बाय डी ए। ये जो डिनोमिनेटर के अंदर देखो दोस्तों, जो नीचे वाला आपको नजर आ रहा है, हर नीचे वाला, अब डी के साथ देखो दोस्तों क्या लगा हुआ है ए, तो इस ए का मीनिंग क्या है कि जो आपसे वो डेरिवेटिव मांग रहा है वो दोस्तों ए के रिस्पेक्ट मांग रहा है। और इधर देखो वाई के बराबर भी ए है, तो दोस्तों यहां पर इसका ए का डेरिवेटिव क्या होगा ए होगा। दोस्तों समझ आ गया होगा, दोबारा फिर सुन लो कि y बराबर a, आपने इस a का डेरिवेटिव करना है। दोस्तों जो y के बराबर रखा होता है हमेशा डेरिवेटिव उसका किया जाता होता है, जैसे मैंने y के बराबर 5 रखा तो मैंने डेरिवेटिव 5 का करना है, यहां पर मैंने y के बराबर a रखा तो डेरिवेटिव दोस्तों a का करना है। लेकिन अब वो आपसे पूछेगा भी, ये लिखेगा dy by da, dy by dx, अब इसने a लिखा है तो यानी कि उसको जो डेरिवेटिव चाहिए वो a के रिस्पेक्ट चाहिए, और इधर a है तो दोस्तों डेरिवेटिव a का एक आएगा। अगर मैं दोस्तों यहां पर क्या कर दूं, इधर देखो ध्यान से दोस्तों, यही सीखने वाली चीज है, मैंने y बराबर क्या कर दिया z और यहां पर लिख दिया डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, वाई बराबर जेड, यानी कि डेरिवेटिव तो मैंने किसका करना है जेड का करना है, और इधर उसने बोला क्या है कि एक्स के रिस्पेक्ट करो एक्स, इधर एक्स है इधर जेड है, तो दोस्तों अब इस केस में जो ये जेड का डेरिवेटिव होगा वो दोस्तों जीरो होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव, ये जो लेटर होते हैं ए बी सी डी 26 जो लेटर होते हैं, इनका डेरिवेटिव जीरो भी होता है और एक भी होता है। ये मैंने आपको दो एग्जांपल लेके क्लियर किया कि इसको दोबारा देखना दोस्तों यहां से वीडियो को, कि ये कैसे जीरो और कैसे एक होता है। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं, अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव तो दोस्तों जीरो ही रहेगा, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही रहेगा, बिना देखे लिख देना। लेकिन दोस्तों ये जो वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी, इनका डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, वो मैंने दोस्तों आपको बता दिया। अब दोस्तों जो थर्ड स्टेप है दोस्तों, डेरिवेटिव को अगर आप स्टेप वाइज सीखोगे तो गारंटी है कभी आपको ये नहीं लगेगा कि ये एडवांस मैथ चल रहा है। तो आगे देखो दोस्तों तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म थी उसको मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों वेरिएबल से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल, ये मैंने आपको अलग अलग निकालने तो सिखा दिए कि इनका अलग अलग डेरिवेटिव कैसे होता है, अब जब ये दोनों मिल जाएं इकट्ठे आ जाएं और डेरिवेटिव निकालना हो तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा। जैसे मैंने वाई बराबर ले लिया 5x और आगे लिख दिया डी वाई बाय डी एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने y बराबर 5x और dy by dx, तो दोस्तों यहां पर बताओ कि किसके रिस्पेक्ट बताना है। इस चीज को देखा करो दोस्तों, ये जो नीचे हर में होती है dx, यानी यहां पर x है, तो हमने इस 5x का जो डेरिवेटिव बताना है वो किसके रिस्पेक्ट बताना है x के। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो ये जो कांस्टेंट होता है ये दोस्तों डेरिवेटिव बन जाएगा,
एक्स का डेरिवेटिव तो यहां पर एक होगा, मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों एक की जब पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पांच आ जाएगा। तो पांच एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, पांच आया। ऐसे दोस्तों मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, इधर देखना, क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। वाई बराबर तीन जेड और यहां दे दिया डी वाई बाय डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन वाई बराबर पांच एक्स और यहां दे दिया डी वाई बाय डी टी। और तीसरा क्वेश्चन वाई बराबर माइनस का पांच बटे दो जेड और यहां दे दिया डी वाई बाय डी जेड। और क्वेश्चन ले लो दोस्तों, वाई बराबर सात पॉइंट पांच टी और यहां पर दे दिया डी वाई बाय डी टी। ये लो दोस्तों मैंने ये पांच क्वेश्चन लिखे हैं। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर सीखने वाली चीज है। अब देखो दोस्तों मुझे बताओ ये जो सेकंड क्वेश्चन है y बराबर तीन जेड और डी वाई बाय डी एक्स, अब इधर देखना उसने डेरिवेटिव तो पूछा है तीन जेड का और यहां पर रिस्पेक्ट किसके करने है, x के। क्या दोस्तों यहां पर x और यहां पर z क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? अभी क्या सिखाया था कि सेम होना चाहिए। तो दोस्तों इस केस में ये जो आंसर आएगा सारे का सारा जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो y बराबर तीन जेड का जो डेरिवेटिव है, अब तीन मत लिख देना, क्यों नहीं लिखोगे, यहां पर जेड और यहां पर एक्स सेम होना चाहिए दोस्तों, तभी आप ये तीन को आंसर लिखोगे। तो यहां पर तीन जेड का डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आगे बताओ पांच एक्स का बताना है और यहां पर डी टी दे रखा है, क्या डेरिवेटिव निकलेगा पांच एक्स का, नहीं निकलेगा। क्या आंसर आएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन बताओ माइनस पांच बटे दो जेड और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट बताना है, जेड। यहां पर बात बन गई, इधर भी जेड और रिस्पेक्ट भी किसके करना है, जेड। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि अब आप यहां पर माइनस पांच बटे दो जेड का जो आंसर आएगा वो जीरो मत लिख देना, क्योंकि z है और z के रिस्पेक्ट पूछा है। तो इस केस में दोस्तों क्या आंसर आएगा, z का तो एक हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का पांच बटे दो। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। एक उधर क्वेश्चन हो रहा है वो भी बता दो, इधर देखो t और इधर भी t, डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट दोस्तों डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, सात पॉइंट पांच। तो ये दोस्तों डेरिवेटिव आ जाएगा सात पॉइंट पांच टी का। तो दोस्तों ये था आपको क्या बताया कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में क्या हो जाएं, अटैच हो जाएं, तो दोस्तों उनका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। दोस्तों अगर ये बातें क्लियर होंगी, आज मैं आपको बेसिकली बातें सिखा रहा हूं, तो दोस्तों डेरिवेटिव आपको बहुत इजी लगेगा। तो अब दोस्तों स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं चौथा, स्टेप वाइज देखना दोस्तों इसको। अभी मैंने आपको पहला स्टेप क्या करवाया था, स्टेप बताओ दोस्तों, पहला करवाया था कांस्टेंट का, पहला स्टेप था कांस्टेंट का, दूसरा दोस्तों वेरिएबल का और तीसरा दोस्तों कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ये तीन स्टेप बताए। अब दोस्तों बढ़ते हैं पावर की ओर। पावर का मीन क्या होता है, घात, क्या कह सकते हो, डिग्री या टॉप ऑफ बेस, ये दोस्तों सारे नाम, या इसको इंडाइस, ये सारे के सारे नाम दोस्तों किसके होते हैं, पावर के। अब पावर वाली चीज का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा वो दोस्तों आपको सिखा रहा हूं। तो देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया वाई बराबर पांच एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बताओ किसके रिस्पेक्ट, डी वाई बाय डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया y बराबर तीन बटे पांच और x की पावर पांच, तो डेरिवेटिव बताओ dy वाई बाय डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन y बराबर पांच पॉइंट दो टी का तीन,
डी वाई बाय डी एक्स। ऐसे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन वाई बराबर 7x³ डी वाई बाय डी एक्स। तो ये लो दोस्तों चार क्वेश्चन है। अब चारों में आपको पावर नजर आ रही है, तो दोस्तों अब पावर वाली जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे तो सीखिएगा दोस्तों ध्यान से, वैसे नहीं होगा। अब पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये बात क्लियर किया करो कि उसने डेरिवेटिव किसका पूछा है और किसके रिस्पेक्ट पूछा है। अब देखो y बराबर 5x² इधर भी x आया और उधर देखो dy by dx उधर भी x आया, दोनों साइड सेम वेरिएबल होना चाहिए दोस्तों। अगर दोनों साइड सेम वेरिएबल होगा तभी डेरिवेटिव निकलेगा, अदरवाइज लिख देना जीरो, डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। अब बताओ दोस्तों डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ध्यान से सीखना, पावर वाली चीज का यानी 5x² इसका डेरिवेटिव बताना है। कैसे निकलेगा डेरिवेटिव का रूल देखना। जो दोस्तों ये जो पावर होती है इसको उठा के आगे आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये लो दोस्तों 2 × 5x सारी की सारी जो पावर है उसको उठा के आगे मल्टीप्लाई किया करो और उस पावर में से एक माइनस कर देना होता है दोस्तों, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या किया कि जो सारी पावर उठा के आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो, तो क्या आ गया 2 × 5 मल्टीप्लाई 10x³। दोस्तों एक लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपका डेरिवेटिव क्या आ गया 10x, यानी कि 5x² का जो डेरिवेटिव आया वो दोस्तों 10x आया। ऐसी दोस्तों क्वेश्चन सेकंड देखिए, पहले तो ये चेक करो कि इधर भी एक्स इधर भी एक्स बनेगी बात, डेरिवेटिव होगा यस होगा, तो कैसे करोगे 3/5x⁵ इसका डेरिवेटिव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, ये जो पावर है इसको आगे मल्टीप्लाई में ले आओ, ये लो मल्टीप्लाई में ले आया और एक पावर कम कर दो, 5 में से जब एक माइनस करेंगे क्या बच गया 4। ये रूल है दोस्तों ध्यान देना, पावर वाले कोई भी क्वेश्चन आता उसका डेरिवेटिव, तो 5 से 5 दोस्तों कैंसिल हो गया, क्या आंसर मिला 3x⁴। ये लो दोस्तों 3/5x⁵ का जो डेरिवेटिव आया वो दोस्तों 3x क्या आया 4 आया। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन तीसरा, बताओगे कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है क्या इसका डेरिवेटिव निकलेगा, पहले तो चेक कर लो, यहां पर टी और यहां पर एक्स, यहां पर टी वहां पर एक्स अपोजिट हैं, जो वेरिएबल हैं अपोजिट हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव आएगा वो नहीं निकलेगा और आंसर क्या दोगे 0। क्या आंसर दोगे दोस्तों 0, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं होगा। क्यों, इधर टी है और उसने पूछा क्या है एक्स के रिस्पेक्ट, तो दोस्तों क्या करोगे आंसर आपका क्या आएगा 0। एक क्वेश्चन उधर देखो दोस्तों, वाई बराबर 7x³ एक्स है उधर भी एक्स है, बात बनेगी डेरिवेटिव निकलेगा, कैसे निकालोगे पावर आगे, ये लो दोस्तों पावर आगे, एक पावर कम करोगे तो 2, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 7×21x²। ये लो दोस्तों हमने क्या करा, चौथा स्टेप कौन सा किया दोस्तों पावर के अंदर, यानी कौन सा स्टेप, जो पावर वाली चीज होती है पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका दोस्तों आंसर कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों अब इन तीन चारों स्टेप को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे बनाता है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो दोस्तों उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन देखो आप खुद कर पाओगे, जैसे क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, वाई बराबर 5x⁴ प्लस 10x³ प्लस 10t प्लस दोस्तों 5
डी वाई बाय डी एक्स। ये लो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन बना दिया। इन चार के चार अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों पहला पावर के अंदर है, और इधर देखो ये चीज देखनी है खास करके, एक्स और रिस्पेक्ट किसके मांगा है, एक्स। तो बात बनेगी, हमें पांच एक्स की चार का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और एक्स दोनों सेम वेरिएबल हैं। तो कैसे निकलेगा, अभी सिखाया पावर आगे, तो पावर आगे आई चार, तो पांच ओके बीस एक्स, एक पावर कम करोगे तो तीन। ये लो दोस्तों पांच एक्स की चार का डेरिवेटिव हो गया बीस एक्स की तीन। आगे बताओ दस एक्स की तीन का पावर आगे आई, दस ये कितना तीस, एक्स एक पावर कम, इसका डेरिवेटिव हो गया दोस्तों। आगे बताओ प्लस क्या दस टी का डेरिवेटिव होगा, नहीं होगा, क्यों, इधर टी उधर एक्स वेरिएबल सेम नहीं है। तो दोस्तों इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, जीरो मत लिखो। पांच अभी सिखाया था कि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा ही जीरो होता है, इसका भी जीरो। तो आपका आंसर क्या आ चुका है दोस्तों, बीस एक्स की तीन प्लस तीस एक्स की दो। तो दोस्तों यहां पर वो कॉमन भी ले सकता है। अब बीस एक्स की तीन और तीस एक्स की दो में हम क्या करेंगे, दस एक्स की दो को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या बच गया, दो एक्स, और यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, तीन। तो ये आपका दोस्तों डेरिवेटिव हो चुका है। दोस्तों जिसको ये चार स्टेप समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बताओ, खुद ट्राई करेंगे। देखो दोस्तों ध्यान से, वाई बराबर पांच एक्स की तीन प्लस दस एक्स की दो प्लस सात टी की तीन प्लस पांच एक्स प्लस सात डी वाई बाय डी एक्स। तो दोस्तों बताओ क्या ये इस पहले का डेरिवेटिव होगा, होगा, एक्स और उधर भी एक्स, पावर आगे तो पंद्रह, एक पावर कम तो दो, पंद्रह एक्स की दो आ गया। आगे बताओ दोस्तों प्लस पावर आगे बीस एक्स हो गया, इसका दोस्तों सात टी की तीन का डेरिवेटिव नहीं होगा, इधर टी और उधर एक्स छोड़ दो, पांच एक्स का क्या आएगा दोस्तों, पांच होगा डेरिवेटिव। अभी ये मैंने तीसरे स्टेप में बताया था, वही स्टेप आ गया, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, और सात का होगा ही नहीं जीरो। ये लो दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, डेरिवेटिव हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। अगर दोस्तों स्टेप वाइज करोगे तो गारंटी है कभी भी दोस्तों आपको ऐसा नहीं होगा कि आप डेरिवेटिव का एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप निकाल ना पाओ। तो दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब दो दो वेरिएबल एक साथ आ जाएं, अभी तक दोस्तों क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल आता था, अब एक ही चीज के अंदर दो वेरिएबल आ जाएं, जैसे दोस्तों देखो वाई बराबर पांच एक्स की चार बी की पांच और टी की दो, और आगे आपसे बोल दिया डी वाई बाय डी एक्स। अब दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक ही है, इसके अंदर एक्स भी आ गया, बी भी आ गया और टी भी आ गया, और उसने डेरिवेटिव जो पूछा है वो दोस्तों एक ही चीज का पूछेगा, एक ही वेरिएबल का पूछेगा हमेशा। उसने किसका पूछा है, एक्स का, और यहां पर तो एक्स भी है, बी भी है और टी भी है। तो दोस्तों यहां पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, अब यहां पर दोस्तों एक्स है और पूछा भी है, तो हमें दोस्तों इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ध्यान से सीखना कि जब एक ही क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाए, वेरिएबल किसको बोलते हैं, एबीसीडी को, एक्स भी आ गया, बी भी आ गया, टी भी आ गया, और दोस्तों डेरिवेटिव जो पूछेगा वो एक ही वेरिएबल का पूछेगा। तो दोस्तों यहां पर ये मत कहना कि यहां पर बी आ गया, यहां पर बी है ही नहीं, तो क्या कर दो, आंसर मत दो, जीरो लिख दो। नहीं दोस्तों, यहां पर अब क्या तरीका जमाओगे वो देखना,
दोस्तों क्या करोगे, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, जो एक्स है उसी का ही डेरिवेटिव निकलेगा, और जो बाकी जो बच गए दोस्तों, जो बच गए बी की पांच बच गया, टी की पांच बच गया, तो दोस्तों इनको आप जीरो नहीं लिखोगे, इनका यही का यही रह जाएंगे, ये वैसे के वैसे साथ ही रह जाएंगे, इनका कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, क्या करोगे, इस पांच एक्स की चार का डेरिवेटिव होगा, बी की पांच और टी की दो का डेरिवेटिव नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर वही तरीका, पावर आगे, तो पांच एक्स की चार का डेरिवेटिव पावर आगे, पांच चौके बीस, एक्स की तीन, ये दोस्तों वैसे के वैसे आंसर में साथ रह जाएंगे। तो ये दोस्तों आंसर क्या आ गया, बीस एक्स की तीन, बी की पांच, टी की दो। कहने का मीन क्या दोस्तों, जिसके रिस्पेक्ट करना होता है उसी का ही डेरिवेटिव निकलेगा, बाकी दोस्तों इसके साथ कुछ भी पड़ा होता, कोई भी वेरिएबल होता, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या करा, वाई बराबर तीन टी की पांच, एक्स की तीन और जेड की दो, इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैंने बोला डी वाई बाय डी जेड, अब दोस्तों डी वाई बाय डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट निकालना है और जेड है आपका जेड की दो, तो दोस्तों ये जो टी की पांच एक्स की तीन जो बच गया, ये वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, तो डेरिवेटिव किसका निकलेगा, तीन जेड की दो का। तो क्या आया, पावर आगे छे, जेड एक लिखने की जरूरत नहीं है, और वो वैसे के वैसे दोस्तों ये लो आपका डेरिवेटिव हो गया। दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैंने क्या किया, और क्वेश्चन देखो, वाई बराबर तीन एक्स की दो, वाई की दो, जेड की तीन, और यहां पर डी वाई बाय डी टी। अब दोस्तों बताओ, उसने डेरिवेटिव पूछा टी के रिस्पेक्ट, यहां पर तो टी है ही नहीं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों जीरो आएगा। तो ये था दोस्तों, जब पांचवा स्टेप क्या बताया, वन मोर देन वेरिएबल, यानी कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाएं एक साथ, तो उनका डेरिवेटिव दोस्तों कैसे करेंगे। ये था दोस्तों आज का पांचवा स्टेप। अगर दोस्तों ये आपको पांच के पांच स्टेप अच्छी तरह समझ में आ गए, तो दोस्तों डेरिवेटिव के अंदर आपका आज के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसको आप कर नहीं पाओगे। आपको आगे भी डेरिवेटिव जब करेंगे तो आपको लगेगा कि डेरिवेटिव तो बहुत इजी है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि डेरिवेटिव भी इतना इजी हो सकता है। तो दोस्तों इजी तब लगेगा जब आप इसको स्टेप वाइज करोगे। अगर दोस्तों आपने सीढ़ी चढ़ना है, अगर आप क्या करोगे, स्टेप वाइज धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ोगे, तो दोस्तों आप टॉप तक पहुंच जाओगे। अगर दोस्तों आप एक सीढ़ी छोड़ के दो छोड़ दी, तो दोस्तों क्या करोगे, पैर ऐसा तिसलेगा कि बिल्कुल नीचे गिर जाओगे, और क्या करोगे, हॉस्पिटल के अंदर मिलोगे। तो कहने का मीन क्या दोस्तों, धीरे धीरे अगर आप मैथ के अंदर स्टेप बना के चलते हो, स्टेप की वाइज चढ़ते हो, तो दोस्तों कभी भी ऐसा पल नहीं आएगा कि आपको मैथ के अंदर कोई भी दिक्कत हो जाए। तो ये था दोस्तों हमारा डेरिवेटिव का आज का पार्ट, एडवांस मैथ के अंदर। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, जो इसका बचा पार्ट है दोस्तों भी काफी पड़ा है, तो वो आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी है, इसको आप दोस्तों अच्छे तरह से एक बार दो बार, और अपनी कॉपी पर दोस्तों क्या करो, इसको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पांच पढ़ाए हैं आप इसको कॉपी पर नोट करो दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप धीरे धीरे एडवांस मैथ का इंटरेस्ट बना के दोस्तों उसको क्या करोगे, सीखने लग जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको अंत में वीडियो अच्छी लगे,
तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।